पता मैं स्टार के प्रचारक थे आप। मैं कभी भी किसी पार्टी का स्टार प्रचारक नहीं रहा हूँ। मैं कलाकार के रूप में मेरे दोस्त मित्र किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े हैं तो मैं उनका प्रचार किया हूँ। जैसे रवि किशन जी मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और वो जब कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे जौनपुर से, तो उनका प्रचार किया था मैंने। मेरे मित्र हैं सुभाष पासी जी, और मेरे संघर्ष के दिनों के साथी हैं वो, और मैं जहाँ पहुँचा हूँ उसमें उनका बहुत योगदान है। उन्होंने मुझे बहुत हमेशा जो है हेल्प किया है। तो वो जब समाजवादी पार्टी से चुनाव जब लड़े हैं तो मैंने उनका प्रचार किया है। और मनोज तिवारी जी जो मेरे बड़े भैया हैं, गुरु की तरह हैं, और वो जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने उनका प्रचार किया दिल्ली में। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पार्टी का प्रचारक रहा हूँ, कभी नहीं रहा। मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूँ 2019 में, और अब जाके मैं राजनीति में सक्रिय हुआ। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, किसी के भ्रम में मत आइए, किसी के भुलावे में मत आइए, मेरे कहने से भी मत आइए। आप अपना दिमाग लगाइए, आप सोचिए कि सच क्या है, गलत क्या है, कौन है जो देश के हित में खड़ा है और कौन है जो देश के विरोध में खड़ा है। आज आपको ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि देश हित में ही ये वोट पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव है सीधे सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव है। आप जिसको भी वोट डालें ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री के खाते में ये वोट जाएगा, और ये निश्चय करेगा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में भारत को एक ताकतवर रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया, और पूरी दुनिया आज मान रही है कि भारत जो है बहुत ही ताकतवर देश बन चुका है। दुश्मन देश जो है वो भारत की तरफ देखने से पहले कांपते हैं। अब उनको लगता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, उनकी हिम्मत नहीं है आज हिंदुस्तान की तरफ आँख उठा के देखने की। ये अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। तो पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से ही देश के प्रधानमंत्री ना बने, भारत के प्रधानमंत्री ना बने। दुश्मन देश ये चाहता है, ये बात मुझे समझ में आती है। पर अपने देश का कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री ना बने, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है कि जो लोग भी गठबंधन करके और नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, आप उनको जवाब दीजिए। आप अपना हर वोट नरेंद्र मोदी जी के लिए डालिए और फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाइए। बाबा का आशीर्वाद लेने आए थे आप? जी, मैं कोई भी काम करता हूँ तो बाबा के आशीर्वाद से ही शुरू करता हूँ। ये वो स्थल है जहाँ से मैंने अपने स्ट्रगल के दिन से मैंने शुरुआत की थी, और पहला एल्बम जब मैं गाया था तो यहीं स्थल से, स्थल का स्टूडियो है, 2001 में रंगीली होली आगिल, उसके बाद 2003 में निरहुआ सटल रहे, यहीं से गाया था, बाबा के आशीर्वाद से ही, बाबा के ही स्टूडियो से गाया था, और यहीं से जो कुछ मिला मुझे यहाँ बाबा के आशीर्वाद से मिलता रहा है। तो अब जब मैं राजनीति में अपनी शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं बाबा से आशीर्वाद लेने आ गया, और बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। और मैं निश्चित रूप से मैं बाबा से यही मांगने आया था कि बाबा मुझे सद्बुद्धि दीजिए और बाबा मुझे इतना समर्थवान बनाइए कि मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि बाबा मेरी इस गुहार को जरूर सुनेंगे। मत रहना सोते, ताले चोरों के लिए नहीं होते, दबे पांव आती है अनहोनी, आहट पर हो कान, आंखें रहे चौकन्नी, अपना याजनबी, गुनाहगार हो सकता है कोई भी, करो मुकाबला क्राइम का, पता नहीं कुछ टाइम का,